तो गाइस फाइनली यहाँ पे BGMI में मैक का फ्यूजन वाला मोड यहाँ पे आ चुका है, और अभी अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले अपडेट आया है। मैं आप लोग को यहाँ पे लाइव यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा दूंगा और गेम यहाँ पे आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ, और आप लोग को कैसे अपडेट करना है और कैसे आप लोगों ने अपडेट खेलना है ये भी अगली वीडियो में आप लोग को पता लगने वाला है। तो चलो पहले तो गेम चालू करके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे ये गेम आपने खेलना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है आप लोग की रैंक पुश, और क्या आप लोग यहाँ पे BGMI का यहाँ पे इंतजार कर रहे हो? तो गाइस देखो, इस वाले गेम में अपन बात करेंगे कि BGMI का अपडेट यहाँ पे आप लोग को कब तक का देखने को मिलने वाला है, कैसे आप लोगों ने अपडेट करना है, और कब आप लोग को यहाँ पे BGMI में न्यू मोड यानी कि मेगा फ्यूजन यहाँ पे खेलने को मिलेगा। तो अभी देखो गाइस, गेम में यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप लोग रैंक पुश करते हो ना सोलो पे तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि यार यहाँ पे कितनी बुरी यहाँ पे हालात हो चुके हैं और अपडेट की यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो हर गेम में यहाँ पे सर्वर फ्रीज, हैकर वगैरह यहाँ पे आने हाल चालू हो चुके हैं, और नॉर्मल हैकर भी यहाँ पे हर गेम में यहाँ पे आ ही रहे हैं। अभी देखो इनसे बचने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिक का यूज़ करके मैं लगभग लगभग हर गेम में यहाँ पे एंटर तो कर जाता हूँ, लेकिन यार कई मैच में ऐसा था कि एंटर नहीं भी हो पाता है। लेकिन चलो ये वाला गेम भी उनमें से ही एक है जिसमें यार मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, और एंटर करने के बाद में ना जो कि लास्ट में यहाँ पे सर ऑफलाइन जो भी बंदे रहते हैं ना उनको अपने यहाँ पे भरने वाले हैं, और देखो साथ ही साथ अपन जो हैकर है ना एक उसको भी यहाँ पे इस वाले गेम में भरने वाले हैं। तो यार गेम प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और साथ ही बात करेंगे अपडेट का बारे, तो यहाँ पे मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो पाएंगी। अभी देखो रिस्टार्ट करने के बाद में मेरे को गेम के अंदर से यहाँ पे भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वापस से मुझे यहाँ पे गेम के अंदर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं मानता हूँ, मैं अभी भी यहाँ पे वेट करता हूँ, और कुछ ही देर में यहाँ पे अपने को वापस से रिजॉइन मैच का यहाँ पे पॉपअप देखने को मिल जाता है। और जैसे ही पॉपअप आता है ना, मैं यहाँ पे पता था कि मैं यहाँ पे पक्का यहाँ पे इस वाले गेम में अच्छे खासे किल करने वाला हूँ, और मुझे पता था कि इस वाले गेम में ऑफलाइन बंदे काफ़ी होंगे, क्योंकि इतना देर यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे पेशेंस नहीं होता है, और कोई भी यहाँ पे इतना देर वेट नहीं करता है। तो गाइस देखो, अगर आप लोग के गेम में भी अगर सर्वर फ्रीज हैकर आएगा ना, तो आप लोगों ने इसी प्रकार से वेट करना है, क्योंकि यार अभी तो देखो आज लास्ट दिन है, क्योंकि कल से तो मुझे लगता नहीं कि ये वाली प्रॉब्लम होगी। अगर होती है तो आप लोगों ने इसी प्रकार यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना है, और वेट करने के बाद में यहाँ पे जो एंड पे यहाँ पे जगह रहती है ना वहाँ पे जंप करना है, और वहाँ जाकर के लूट करनी है। मैं भी देखो अभी यहाँ पे लूट कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पे बॉट वगैरह काफ़ी आते हैं जिनसे मैं अपनी बेसिक लूट कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी जैसे ये वाले बॉट को मारता हूँ ना, इस वाले बॉट को मारते ही लूट कर ही जाता हूँ, कि इतने में एक और बॉट यहाँ पे ऊपर की साइड से आ जाता है। अभी मैं करता हूँ, जितने बॉट को मैं मारा था मैं सभी को यहाँ पे लूट रहा था, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे एमओ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यार अभी देखो ऊपर यहाँ पे कितने बंदे ऑफलाइन मिलने वाले हैं इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं जाके सारे यहाँ पे बॉट को मार के यहाँ पे उनकी पेटी लूट कर रहा था, और इतने में यहाँ पे एक और बॉट यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाता है। अभी देखो इसके बाद मैं आप लोग को बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा, अभी मैं सीधे ऊपर की तरफ जाता हूँ और एक बॉट को और फिनिश करता हूँ। उसके बाद में देखो एक यहाँ पे गाड़ी भी जा रही थी, और जैसे ही मैं थोड़ा नजरें घुमाता हूँ ना, मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं ऑफलाइन प्लेयर्स सारे के सारे, और देखो उनको किस तरीके से भरेंगे अभी अपन। भाई साहब, मतलब ये वाले फिनिशर्स के मैसेज देख के जो ही खुशी मिल रही थी ना, क्योंकि आप जहाँ भी जितना भी फायर मारोगे वहाँ पर इतने बंदे यहाँ पे फिनिश हो रहे थे। और बची कुची कसर भी मैं यहाँ पे पूरी कर लेता हूँ, एक दो बंदे और बचे हुए थे जिनको कि अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं, और मैं निकल जाता हूँ व्हीकल की तलाश में नीचे की साइड में। अभी देखो यार इस वाले मैच में यार देखो एक हैकर भी था जिसे अभी अपन आगे जाके मार देंगे। अभी देखो वहाँ से मैं जैसे नीचे की तरफ आता हूँ ना, ये बंदा भी अपने साइड में आ जाता है। अभी यार मेरे पास एमओ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सोचता था कि बंदे को क्लोज आने दूँ, लेकिन यार UMP से ये बंदा यहाँ पे तो बच जाता, लेकिन जैसे सामने यहाँ जाता ना M4 से इस बंदे को ईजिली यहाँ पे किल कर दिया था।
ये वाला बंदा यहाँ पे बॉट मारने के लिए रुका हुआ था, लेकिन इसके बॉट को भी फिनिश अपन ने कर लिया था और साथ में इस वाले बंदे को भी टैग चिपकाया था, जिस वजह से ये बंदा मुझे पता था यहाँ पे तो रुकने वाला नहीं है। अभी देखो इसके बाद में मैं यहाँ पे से व्हीकल उठा के देखिए लेफ्ट वाले कंपाउंड की साइड में आता ना, वहाँ पे एक यहाँ पे व्हीकल लगी थी जिसके लिए मैं यहाँ पे कैम्प कर रहा होता हूँ और यहाँ पे मैं उसके लिए कैम्प लगाया था। तो इतने में यहाँ पे एक बगी वाला पीछे से अपने पुश मार देता है, तो देखो उस बगी वाले बंदे को किस तरीके से पहले गिराने वाले हैं अपन। तो गाइस कैसा था ये वाला स्प्रे, आई होप आप लोग को मजा आएगा। अगर नहीं आया तो इससे ज़्यादा अभी अच्छा वाला स्प्रे अभी आप लोग को आगे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ से आगे साइड जाता हूँ ना यहाँ पे बंदे का यहाँ पे विजन ब्लॉक करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे जाता हूँ सामने की साइड से एक और यहाँ पे कूपर बंदा अपने पे रोटेशन मार के पुश कर रहा होता है, तो देखो उस वाले बंदे को किस तरीके से गिराएंगे। अगर स्प्रे पसंद आए तो यहाँ पे वीडियो लाइक जरूर से कर देना। तो अभी के लिए इस वाले बंदे को फिनिश कर लेता। अभी यार इसके बाद अपन यहाँ पे सामने वाले बंदे फायर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो बंदा कवर पे बैठा हुआ था और निकल भी नहीं रहता। तो मैं तुरंत अपनी बगी उठाता हूँ और सामने की साइड से दूसरी साइड से इस बंदे पे एंगल निकालने का ट्राई करता हूँ। लेकिन गाइस देखो तब तक अपन बात कर लेते हैं BGMI के 3.2 के अपडेट के बारे में। तो ये देखो अभी यह है कि जैसे आप लोग गेम अपना ओपन करोगे ना, गेम ओपन करने के बाद जैसे मेगा फ्यूजन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर टाइमर देखने को मिल जाएगा 21 घंटे का। तो गाइस देखो 21 घंटे आप लोगों ने वेट करना है। आई थिंक यार आज सुबह के टाइम पे 5:30 बजे कल को आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपडेट कल ही करना और आज यहाँ पर कोई भी यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको अपडेट किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस आई होप यार आप लोग की आज के दिन की काफ़ी हेल्प होगी और यहाँ स्टार्टिंग के लिए इंट्रो के लिए सॉरी, क्योंकि यार देखो थोड़ा बहुत क्लिक बेट तो अपन को भी बनता है क्योंकि यार चैनल की रीच जो ही कम हुई है ना, उसके लिए अपन को थोड़ा बहुत यहाँ पे चैनल को मैनेज के लिए वापस से उठाना है। तो गाइस आई होप लो यार आप लोग समझोगे और थोड़ा यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई की यहाँ पे हेल्प भी करोगे। अभी देखो सामने की साइड बग्गी लेके मैं जैसे ही जाता हूँ ना, यहाँ पे नीचे की साइड में मैं लगा के बंदे के लिए होल्ड कर रहता हूँ, लेकिन उतने में यहाँ पर से हैकर आया था और वो हैकर कैसे था अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे होल्ड कर रहा रहता हूँ और होल्ड करते करते यहाँ पे मुझे साउंड आता है कि लेफ्ट में एक बगी आ चुकी है। अब यहाँ पे बगी का साउंड तो आ चुका था और बंदा भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत सामने की तरह आता हुआ दिखा था, तो मुझे लगा था बंदा सामने वाले पत्थर पे जैसे आएगा मैं इस पर ग्रेनेड फेंक के इस बंदे को किल कर लूंगा। और जैसे ग्रेनेड फूल करता हूँ ना, ये बंदा यहाँ पे इतना यहाँ पे चालाक होता है पीछे की साइड भाग करके यहाँ पे अपनी बगी उठा के यहाँ पे वापस निकलने का ट्राई कर जाता है। तो मैं समझ जाता हूँ यार इस वाले बंदे यार पक्का कुछ ना कुछ है, क्योंकि गाइस देखो मैं यहाँ पे बिना फूड दिए बहुत देर से यहाँ पे बैठा हुआ था और ये भी नहीं कि मेरी यहाँ पे बगी बंदे को दिख गई, क्योंकि बंदा काफ़ी दूर यहाँ पे मुझसे रुका हुआ था। और जैसे देखता ना बंदा यहाँ पे निकल के कंपाउंड की साइड जाके मुझ पर यहाँ पे पुश करने का ट्राई करेगा पीछे की साइड से, तो मैं तुरंत यहाँ पे बगी उठाता हूँ और नीचे की साइड में कंपाउंड की तरफ निकल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे मैं छत पे आके बंदे को इजीली गिरा सकता हूँ। और जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना, वो बंदा यहाँ पे पता था कि मैं यहाँ पे रुका हूँ और तुरंत मुझ पर पुश मारता है। तो देखो उस वाले बंदे को अभी किस तरीके से गिराएंगे, सॉरी गाइस गिराने वाला तो नहीं है, अभी इस बंदे को क्लोज में अपन मारने वाले। तो देखो एंजॉय करो पहले इस वाले बंदे का क्लोज में फाइट। अभी देखो अभी के लिए हैकर को तो आपने यहाँ पे फिनिश कर लिया था और इसको फिनिश करने के बाद में अपने 22 किल्स भी हो चुके थे। अभी मेरे को पता था कि जोन यहीं पर आसपास ही आएगा, तो मैं इधर ही यहाँ पे आसपास ही होल्ड कर रहा था। तो मैं अभी जैसे सामने की साइड में वापस से गाड़ी लेके जाता हूँ ना, मैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस में एक बंदा आके रुक चुका था जिसके लिए मैं यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड करता हूँ और होल्ड करने के बाद में बहुत देर के बाद यहाँ पर से एक रोटेशन भी आती है, तो उस पर भी अपन स्प्रे पहन लेते हैं। अभी इसके बाद मुझे पता था सामने की साइड में यहाँ पे जोन जैसी क्लोजिंग होना चालू होगा ना, बंदा यहाँ पे जोन के अंदर जाने का ट्राई करेगा और लकीली बंदा करता भी ऐसा ही है। जैसे बगी में बैठेगा ना उस वाले बंदे को यहाँ पे देखो किस तरीके से गिराने वाले हैं अभी अपन। तो इसको फिनिश करने के बाद में अपने साथ यहाँ पे स्कैम हो जाता है, क्योंकि यार जैसे बगी को अपन यहाँ पे सॉरी एक यहाँ पे डांसे का यहाँ पे रोटेशन आता है, इसको जैसे मैं मारने का ट्राई करता हूँ ना, मैं यहाँ पे हटना यहाँ पे भूल जाता हूँ और ये बंदा यहाँ पे मेरे पे यहाँ पे अपनी दासियाँ चढ़ा के मेरे को फिनिश कर लेता है। लेकिन लकीली अपने यहाँ पे 22 किल थे तो अपने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्लस भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस आई होप यार आप लोगों को गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, गुड बाय।